किसान भाइयों, अगर आप मई और जून के महीने में 1 एकड़ जमीन पर फूल गोभी की खेती करते हैं तो मात्र 50 से 60 दिनों में 1 एकड़ जमीन से 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई मोटे तौर पर आसानी से हो जाती है। लेकिन इस समय पर फूल गोभी की खेती में मौसम के उतार चढ़ाव, गर्म तापमान, कभी भी बारिश, हाई ह्यूमिडिटी जैसी कई ट्रॉपिकल कंडीशंस फेस करना पड़ता है और मौसम की इन स्थितियों में फूल गोभी की ज़्यादातर किस्मों में फूल नहीं बन पाता। और अगर फूल बनता है तो कीट और बीमारियों से लड़ते लड़ते इस समय से पहले या फिर समय के बाद जो फूल बनता है मार्केट में उसकी लगभग ना के बराबर डिमांड होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप फूल गोभी की खेती इस सीजन पर, इस समय पर पहली बार करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें जिससे बीज चयन का मोटा सा आंकड़ा मिल जाए। और अगर आप फूल गोभी के पुराने किसान हैं तो कमेंट सेक्शन पर प्लीज लिखकर बताइए कि इन किस्मों का पिछले साल आपके खेतों में रिजल्ट कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में फूल गोभी की खासकर 5 ऐसी किस्मों को लिया है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे गर्म तापमान, बारिश और हाई ह्यूमिडिटी के लिए मई और जून के महीने में लगाने के लिए सुटेबल है। और इनकी नर्सरी आप मई और जून के महीने में डालकर अगेती समय पर रोपाई करके 50 से 65 दिनों में फूल गोभी की फसल तैयार कर सकते हैं, जिसमें फूल गोभी की सबसे पहली वेरायटी है सेमनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की SV4051AC। और किसान भाइयों, फूल गोभी की 4051 वैरायटी भारी बारिश और गर्म तापमान दोनों को लेकर अच्छी सहनशील है और इसका फूल 600 से 900 ग्राम औसत वजन के साथ सफेद रंग के मीडियम सेल्फ लीफ कवरिंग के साथ सेमी डोम शेप में होते हैं। और फूल गोभी की यह वैरायटी भारत के पूर्वी, उत्तरी और मध्य राज्यों में मई और जून के महीने में फूल गोभी की अगेती खेती करने के लिए सुटेबल है, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। और यह वैरायटी रोपाई करने से लगभग 60 से 65 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और मार्केट में इसका 10 ग्राम बीज 380 रुपए से लेकर 410 रुपए के आसपास मिल जाएगा। फूल गोभी की दूसरी वैरायटी है सिंजेंटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की CFL 1522। और फूल गोभी की CFL 1522 वैरायटी में दूसरी वैरायटियों के कंपैरिजन बेहतरीन वाइडर अडाप्टेबिलिटी होती है, यानी मौसम में बदलाव, प्रतिकूल मौसम जैसी परिस्थितियों में भी पौध विकास और फूल बनने की बेहतरीन क्षमता रहती है। और साथ ही फूल गोभी की यह वैरायटी हाईली XCC टॉलरेंस है। XCC यानी जैंथोमोनास कैम्पेस्टेस्टिव PV कैम्पेसेट्स, जो एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज है और यह फूल गोभी, ब्रोकली जैसी फसलों में ब्लैक रॉट डिसीज का कारण बनती है। अगर फूल गोभी की क्वालिटी, शेप, साइज और कलर की बात करें तो 500 से 800 ग्राम वजन के साथ क्रीमी व्हाइट कलर में अंदर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को खासकर मई और जून के महीने में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लगा सकते हैं। और वहीं फरवरी और मार्च महीने में रोपाई करने के लिए पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य सुटेबल हैं। रोपाई से लेकर लगभग 55 से 60 दिनों में यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और मार्केट में इसका 10 ग्राम बीज लगभग 580 रुपए के आसपास उपलब्ध है। फूल गोभी की तीसरी वैरायटी है सिंजेंटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की C6099। और फूल गोभी की यह वैरायटी भी पिछली वैरायटियों की तरह ही एक ट्रॉपिकल सीजन की हाइब्रिड वैरायटी है और इस वैरायटी में भी वाइडर अडाप्टेबिलिटी और हीट टॉलरेंस कैपेसिटी दोनों बेहतर हैं। इस वैरायटी में फूल गोभी का औसतन वजन लगभग 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक रहता है और इसका कलर अट्रैक्टिव व्हाइट होता है। और फूल गोभी की इस वैरायटी को अर्ली खरीफ सीजन के लिए मई और जून महीने में लगाया जा सकता है और इस वैरायटी को इस समय पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा के नॉर्मल एग्रो क्लाइमेट कंडीशन में लगा सकते हैं।
और रोपाई करने से लगभग 55 से 60 दिनों में यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और मार्केट में इस वैरायटी का 2000 सीड्स लगभग 500 रुपए के आसपास उपलब्ध है। चौथी वैरायटी है एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर सीग्राम और फूल गोभी की यह वैरायटी भी ट्रॉपिकल कंडीशन में लगाने के लिए सुटेबल है और फूल गोभी की इस वैरायटी के फूल सफेद कलर में 800 से 1200 ग्राम औसत वजनदार कॉम्पैक्ट डोम शेप में होते हैं और फूल गोभी की इस वैरायटी की नर्सरी आप मई और जून के महीने में भारत के ज्यादातर राज्यों में डालकर फूल गोभी की अगेती खेती कर सकते हैं और फूल गोभी की यह वैरायटी रोपाई से लगभग 50 से 55 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगर किसान भाइयों आप मात्र 45 से 55 दिनों की फूल गोभी की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो इस समय पर न्योन यू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मयूरी F1 वैरायटी लगा सकते हैं और यह वैरायटी रोपाई से लगभग मात्र 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है, लेकिन इस वैरायटी में फूल का औसतन वजन 500 ग्राम से 600 ग्राम तक ही होता है और इसका कलर लाइट येलोविश व्हाइट रहता है। अगर आप फूल गोभी की इस वैरायटी को लगाते हैं तो हर हाल में कोशिश करिए कि मई लास्ट तक इसकी नर्सरी डाल दीजिए। किसान भाइयों इस समय पर फूल गोभी की खेती करने के लिए हमें कुछ खास बातों को जानना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहला मई और जून के महीने में फूल गोभी की खेती के लिए अनुकूल किस्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी फसल समय पर तैयार होगी और सही समय पर मार्केट में आ पाएगी। और दूसरा, इस समय पर आप उन्हीं अगेती किस्मों को लगाएं जो हर हाल में 60 से 65 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाएं, तभी आपको अच्छे बाजार भाव मिल पाएंगे। और अगर आप मई और जून के बाद फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो 70 से 80 दिन वाली किस्मों को लगाइए, क्योंकि उस समय पर फूल गोभी के दाम बाजार में गिर जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पैदावार वाली किस्मों को लगाना चाहिए जिसमें फूलों का औसतन वजन कम से कम 1.5 से 2 किलोग्राम तक हो। लेकिन वही मई और जून महीने में लगाई गई फूल गोभी में औसतन फूल का वजन 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम के बीच में ही रहता है, क्योंकि इस समय पर मौसम भी प्रतिकूल रहता है और फूल गोभी तैयार होने के लिए कम समय मिल पाता है। और ध्यान रखिए, मई और जून में लगाई गई फूल गोभी में पूरी खाद फसल में 45 दिनों के अंदर दे देना चाहिए, जिससे फसल समय रहते तैयार हो जाए। किसान भाइयों, ये थी 5 फूल गोभी की ऐसी वैरायटियां जिनको आप मई और जून के महीने में अगेती समय पर लगा सकते हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पर हमारे साथ साझा करिए। वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।